हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रव के चैनल पे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज दिख क्यों नहीं रहा हूँ। इसकी एक वजह यह है क्योंकि आज मैं दिखना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको ऑडियो पॉडकास्ट का मज़ा दे सकूँ, जिससे आप लोग स्टोरीज़ को और इन्जॉय कर पाएँ या फिर किसी भी टॉपिक पर और अच्छे से हम लोग डिस्कस कर पाएँ। सो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक अच्छी सी रियल, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टोरी रियल है क्योंकि मैंने उस स्टोरी को एक नहीं कई बार कई लोगों से सुना है। आप लोग बाद में जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं उस स्टोरी के बारे में, एंड वो बहुत ही स्पेशल स्टोरी है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट, ये ऑडियो पॉडकास्ट पसंद आता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। मैं वेट कर रहा हूँ आप सब लोगों का। तो चलिए आज का मुद्दा शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जो अपने आप में एक यूनिक स्टोरी है, जिसको आपने शायद कई फिल्मों में देखा हो, बट ये एक सच्ची घटना है जो कि गुरुग्राम में हुई थी जब वो गुड़गांव हुआ करता था। एक बीपीओ की कहानी है, जिसको हम कॉल सेंटर भी कह सकते हैं। सो, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, क्या ये सब कुछ होता है या नहीं होता है? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मैं इसका जवाब हाँ मैं दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो भी देखा है, उसमें आप लोगों को पता है मेरे साथ पिछले घर में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। एंड वो बिल्कुल सच था, वो कहीं से भी स्क्रिप्टेड नहीं था या कुछ भी फेक मैंने नहीं बताया था। जो भी मेरे साथ हुआ वही सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया। एंड एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, जो मैं आपको आगे आने वाली स्टोरीज में बताऊंगा, जो कि रियल स्टोरी है और मेरी अपनी स्टोरी है। कुछ नया हुआ है मेरे साथ, अगर आप लोग वो भी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कुछ लोगों का मानना है कि ये सब कुछ नहीं होता, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा होता है। मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस सच्ची स्टोरी को और इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप अपनी आँखें बंद कीजिए, अपने ईयरफोन्स लगाइए और आराम से इमेजिन कीजिए। सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है गुड़गांव से, जिसको आज हम गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत पुरानी कहानी है। सो वहाँ पे ज़्यादा कॉल सेंटर्स नहीं थे, ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं थे, अब तो काफ़ी कुछ बन गया है, लेकिन तब इतना कुछ नहीं हुआ करता था। वहाँ पे एक कॉल सेंटर था जिसका नाम था सैफ्रॉन कॉल सेंटर। वहाँ पे एक नई लड़की आती है एज अ न्यू मेंबर ऑफ देयर कंपनी, वो ज्वाइन करती है, एंड उसका नाम था रोज़। उस लड़की का नाम था रोज़ और वो कॉल सेंटर ज्वाइन करती है, अपनी नई नई जॉब को ज्वाइन करती है। एंड सब लोग उसके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है, बहुत सीरियसली करती है, और इसी के चलते उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर्स के अवार्ड भी मिलने लगते हैं। और सब लोग बहुत ही खुश होते हैं कि हमारे पास एक ऐसी अच्छी लड़की है जो अपने काम को इतना सीरियसली लेती है। कहानी आगे बढ़ती है, दिन बीतते हैं, वो वैसे ही अच्छे से काम करती जाती है, करती जाती है। सो गाइस, अब आती है मेन घटना जो वहाँ पे हुई। एक्चुअली उस लड़की के पास एक कॉल आता है, कॉल सेंटर है तो बहुत ऑब्वियस है, कॉल्स तो दिन भर आते हैं। वैसे एक नॉर्मल डे पे उसके पास एक कॉल आता है, वो कॉल उठाती है और वो बात करती चली जाती है। जनरली ये कॉल्स 10 से 15 मिनट के होते हैं या फिर 20 मिनट के होते हैं, लेकिन उस दिन वो कॉल थोड़ा लंबा चल रहा था। ये चलते उसके बॉस को थोड़ा शक भी हुआ, उसने इशारों में उससे पूछा कि क्या चल रहा है, तो उसने बोला आई एम ऑन कॉल, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ओके। ये कॉल और लंबी चलती है, देखते देखते आधा घंटा हो जाता है, 45 मिनट्स हो जाते हैं, और फिर एक घंटा भी हो जाता है, एक घंटे से ऊपर हो जाता है इस कॉल को। और उसकी जो फ्रेंड्स थी, उसके जो साथी थे, वो भी देखते हैं कि ये इतना लंबा कॉल कैसे चल रहा है, क्योंकि जनरली जब भी हम कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हम कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कई लोग तो ठीक से बाय भी नहीं बोलते। सो एनीवेज, बैक टू द मुद्दा। सो वो कॉल काफ़ी लंबा चला और अचानक से रोज़ ने वो कॉल रख दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। वो वहाँ से उठी और सीधा अपने घर की ओर चली गई। उसके दोस्त सोच के काफ़ी हैरान कि ऐसा क्या था इस कॉल में कि अचानक से उसको ऐसा कुछ अलग हुआ और वो सीधा घर चली गई, क्योंकि जनरली वो सबसे बहुत अच्छे से बात किया करती थी, पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ, ना ही बाय बोला, ना ही कुछ बोला, और वो सीधा चली गई। लोगों ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी या पर्सनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम होगी। देखते ही देखते दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, चार दिन हो गए, रोज़ ऑफिस नहीं आई, और ऐसा होता नहीं था क्योंकि वो काफ़ी पंक्चुअल थी, काफ़ी रेगुलर थी अपने काम को लेकर। लेकिन एक हफ्ते तक रोज़ ऑफिस नहीं आई, एक महीना हो गया, और फिर कुछ महीने हो गए रोज़ ऑफिस नहीं आए।
ये सब कुछ देखकर उसके बॉस ने उसके फ्रेंड्स को बुलाया जो कि वहीं ऑफिस में काम करते थे और उनसे पूछा कि क्या किसी की रोज़ से बात हुई है। सब ने अपना जवाब ना में दिया क्योंकि रोज़ का फ़ोन भी बंद था। उन लोगों ने काफ़ी कॉल्स ट्राई किए लेकिन फ़ोन बंद था। कुछ पता नहीं था कि रोज़ कहाँ है। और फिर इसके बाद में उस कैब ड्राइवर को बुलाया गया जो उस ऑफिस के लिए ही काम करता था, ड्यूटी ओवर होने के बाद जो सबको घर छोड़ा करता था। उससे पूछा कि आप रोज़ का घर जानते हैं? तो उसने बोला हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, मैंने कई बार उन्हें छोड़ा है। तो बोले ठीक है, आप उनके घर जाइए और पता कीजिए कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही। उसने कहा ओके। तो जहाँ वो कैब ड्राइवर रोज़ को छोड़ा करता था वो वहीं जाता है, उसी घर की डोरबेल बजाता है और सामने से एक अंकल निकल के आते हैं और उनसे बोलता है कि सर मुझे रोज़ से मिलना है, रोज़ मैडम घर पे हैं। तो वो अंकल बहुत शॉक हो जाते हैं, वो बोलते हैं कौन रोज़, यहाँ तो कोई रोज़ नहीं रहती। तो बोला अंकल रोज़ जो हमारे ऑफिस में काम करती है मैं उन्हें खुद यहाँ छोड़ा करता था, यहाँ ड्रॉप किया करता था। अंकल ये सुन के हंसने लगे, वो बोले शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई रोज़ नहीं रहती है। और ये सुन के जो कैब ड्राइवर था वो शॉक्ड क्योंकि वो रोज़ वहीं से पिक करता था और वहीं पे रोज़ मैडम को ड्रॉप किया करता था। ये बात जाकर वो अपने ऑफिस में अपने बॉस को बताता है कि सर मैं वहाँ गया था लेकिन वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं, सबको शायद लगा कि हो सकता है रोज़ ने गलत एड्रेस दिया हो क्योंकि उसके आसपास वाले किसी घर में रहती हो, वो वहीं उतरती हो बट जब कैब ड्राइवर चला जाता हो तो वो पास वाले किसी घर में चली जाती हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को भी। फिर जो बॉस थे उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स निकाले रोज़ के, जब वो उसने कंपनी को ज्वाइन किया था वहाँ से उसका परमानेंट एड्रेस पता चला जो कि गुड़गांव से कुछ 30-40 किलोमीटर दूर का था। तो इन सब ने फैसला किया कि आप में से जो जो सीनियर्स हैं वो वहाँ जाइए, उसके घर पे जाइए और पता कीजिए कि रोज़ ऑफिस क्यों नहीं आ रही। तो फाइनली कुछ ऑफिस के सीनियर एम्प्लॉयज़ रोज़ के घर के लिए निकलते हैं। वो फाइनली उस घर पे पहुँचते हैं और डोरबेल बजाते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद रोज़ दरवाज़ा खुलेगी और हम उससे बात करेंगे। लेकिन एक अंकल दरवाज़ा खोलते हैं, वो अंकल से पूछते हैं कि रोज़ यहाँ पे है? अंकल पूछते हैं आप लोग कहाँ से हैं? तो वो लोग बताते हैं कि हम इस BPO से हैं एंड रोज़ काफ़ी दिन से ऑफिस नहीं आ रही। तो वो लोग पूछते हैं कि कितने दिन से ऑफ़िस नहीं आ रही? तो वो जवाब देते हैं कुछ 2-3 महीने से वो ऑफ़िस नहीं आ रही। तो ये सुनकर जो एक आंटी होती है अंकल के साथ वो रोने लगती है। सो ये सब कुछ देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि आंटी रो क्यों रही है, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा। फिर अंकल इन सबको अंदर बुलाते हैं और दीवार की तरफ इशारा करते हैं, वहाँ पर रोज़ की पिक्चर लगी होती है और उस पर हार चढ़ा होता है। और ये लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, रोज़ अभी तो हमारे साथ ही अचानक से एक्सपायर कैसे हो गए। वो लोग अंकल से पूछते हैं कि अंकल सॉरी टू आस्क यू बट ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? तो अंकल बताते हैं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोज़ आपके BPO में काम करती हो क्योंकि रोज़ को एक्सपायर हुए, रोज़ को मरे हुए 4 साल हो चुके हैं। वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, उसके बाद में रोज़ हम सब के साथ में नहीं है। अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं जो लोग वहाँ उस ऑफिस की तरफ से घर में गए थे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उनमें से एक काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी थी रोज़ की, जिसको ये सब सुन के हार्ट अटैक भी आया, दिल का दौरा पड़ा और काफ़ी लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई। क्योंकि ये कैसे हो सकता है, आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप जहाँ काम करते हैं आपके जो कलीग्स हैं अचानक से आपको पता चले कि वो हैं ही नहीं, वो हमारे बीच कभी थे ही नहीं, अगर वो नहीं थे तो कौन था? ये सुन के उन लोगों की हालत ऐसी ही होती है जैसी इस वक्त आपकी और ये सुन के मेरी हुई थी। ये सब जाके उस कंपनी में बताया जाता है और वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बीच में कोई एक ऐसा इंसान भी कहना सही नहीं होगा, वो कौन था जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड लेके जा रहा था, वो कौन था जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड लेके जा रहा था। उसकी दोस्त ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली थी, वो उससे बहुत अच्छे से बातें करती थी, रोज़ सबको खुश रखा करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली 4 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में, उसके बावजूद इस BPO में वो काम किया करती थी। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल गाइस? इसके बाद में काफ़ी सारे रिसर्च हुए इस स्टोरी पे, काफ़ी लोगों ने कोशिश की कि इसका सच पता लगाया जाए। इनफैक्ट कुछ लोगों ने पुलिस से भी पूछा तो पुलिस ने इस बात को माना है कि हाँ ऐसी कोई घटना हुई थी, बट हम लोग कंप्लेन किस चीज़ की लिखें, किसकी मिसिंग कंप्लेन लिखें, क्योंकि उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखें जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस की फाइल्स हैं उसके अंदर ये केस कभी आ नहीं सका, लेकिन हाँ वो लोग ये बात मानते हैं कि ऐसा कुछ केस गुरुग्राम में या गुड़गांव में हुआ था एक BPO के अंदर। सो गाइस ये थी आज की कहानी।
अगर आप लोग इस पे और रिसर्च करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मैं और मेहनत करके आप लोगों को और अच्छी स्टोरीज सुना सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।